ईद का दिन है, मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम को ईद मुबारक। दोस्तों, पाकिस्तान में हर साल सिगरेट की कीमत यूं बढ़ जाती है कि जैसे मुल्क पर सारा कर्जा नशेइयों ने चढ़ा है। पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां सोने पर टैक्स, जागने पर टैक्स, खाने पर टैक्स, पेशाब पर टैक्स, अगर आपके घर पर सूरज की रोशनी पड़ती है उस पर भी टैक्स, और अगर आप इन सब चीजों से तंग आकर खुदकुशी करना चाहते हैं तो आपके मरने पर भी टैक्स। जिसके घर में खोता होगा हुकूमत उससे भी टैक्स लेगी। इस खबर के बाद पटवारियों में खौफ और हिरास की लहर दौड़ पड़ी। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हमको मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। दोस्तों, शाहिद अफरीदी के खान साहब के खिलाफ बयान के बाद शेर अफजल मरवत का कहना है कि शाहिद अफरीदी ने सारी जिंदगी इतने ज्यादा रन नहीं बनाए कि जितनी एक दिन में आवाम से गालियां खा ली हैं। बात तो सही है। समझाया था कि ऐसी कोई गलती मत करना कि युवतियों के हाथ लग जाओ, वरना तुम्हारे इतने अंडे याद करेंगे कि तुम्हें खुद पर शक होगा कि मैं क्रिकेटर था या मुर्गी। आखिर शाहिद अफरीदी उस खराब जनरेटर की तरह है जिसको बेचने लगो तो आधा घंटा फिर चल पड़ता है। और जो लोग हुकूमत को टैक्स नहीं देते उनके लिए भी नए कानून पेश किए गए हैं कि नॉन फाइलर अगर कुल्फी खरीदेगा तो पहला छुपा हुकूमत लगाएगी। पाकिस्तान में गधों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। पिछले जराये के मुताबिक ये सारा सीन लंदन से स्पेशल खोते से शुरू हुआ। ब्राजील का सदर कहता है कि अगर नवाज शरीफ ब्राजील का वजीर आजम होता तो आज ब्राजील भी बड़ा जलील होता। पाकिस्तानी हर बार खोते से धोखे खाते हैं और धोखे से खोता खा जाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको पाकिस्तानी सियासतदानों की बहुत सारी फनी वीडियोस दिखाने वाले हैं, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाजमी से लाइक कर दें। दोस्तों, पंजाब में खुसरों के बढ़ते हुए आतंक को देखकर शेख साहब भी खामोश न रह सके और पुलिस की हमदर्दी में बोल पड़े। कभी आपने सुना है कि हिजड़ों ने जाके थाने में एक महीने में तीन थानों में हिजड़ों ने मारा है? मेरे शहर में जो हिजड़ों को 5 या 10 रुपए देता था, आप कई लोग 100 का नोट देते हैं, समझते हैं कि आप हमारी आवाज है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? दोस्तों, मियां जी खान साहब को पूरी तरह से कॉपी करते हैं। जैसे कि खान साहब आवाम को हकूक का शौर देते हैं, वैसे ही मियां जी भी आवाम को अंग्रेजी सिखाने के लिए निकल पड़े। वो वजीर आजम नहीं है, वो नहीं वजीर आजम था मैं। वादा करके तो भूल जाए और उसके बाद यू टर्न पता ना क्या होता है, उधर से जाके फिर इधर वापस आ, यहाँ से गए फिर उधर से चक्कर लगा के वापस आए, किया कराया कुछ भी नहीं, मुल्क को कौम को तबाह कर दिया और यू टर्न। और कभी कभार तो नवाज शरीफ खुद ही गिनती भूल जाते हैं, जैसे किस वीडियो में 2017 को 217 बोल जाते हैं। हाँ, तक किसने पूछा है, 217 में तो ये हालात नहीं थे। 2017 में रोटी भी मिलती थी, नहीं 2017 में घी भी मिलता था। अच्छा, जब मियां साहब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रहे थे तो इमरान खान के डर की वजह से बार बार रास्ते में रुक जाते थे, फिर छोटे चेतन ने समझाया कि बाऊजी वो तो जेल में है। नानी साहिबा भी झूठ अखीर लेवल का बोलती हैं। अखिर आवाम को फ्री इंटरनेट दिया जाएगा, फ्री गैस, फ्री बिजली दी जाएगी, लेकिन एंड में आवाम को डिंको दिखा दिया गया। एक दिल की बात करूं? बताओ, एक दिल की बात करूं आपसे? नहीं। 21 अक्टूबर को इंशाल्लाह आपकी सस्ती गैस, सस्ती बिजली की वापसी है इंशाल्लाह ताला। जितने लोग यहाँ मौजूद हैं उतने लोग छतों के ऊपर भी मौजूद हैं। दोस्तों, बाहर के मुल्कों में सियासतदान हो या चपड़ासी, सारे काम एजुकेशन पर चलते हैं, और अगर पाकिस्तान में भी मेरिट का सीन होता तो दोनों गंजे आज सांडे का तेल बेच रहे होते। 8 मई को मेरी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है। 8 फरवरी को, 8 मई को, 9 फरवरी को छठ जाएगा, हर तरफ रोशनी होगी।
दोस्तों सयाने सही कहा करते थे कि पटवारी का तालीम और शौर से कोई वास्ता नहीं, अगर इनका दिमाग पिछवाड़े में ना होता तो ये भी इंसान कहलाते। हमने हर दौर में देखा कि नवाज शरीफ शहबाज शरीफ ने आके कुछ किया, लास्ट टाइम भी आए इन्होंने 2 रुपए की रोटी हमारे घर के बाजू एक मार्केट हमारी अपनी वहाँ पे भी एक तंदूर है, इस वजह से थोड़ी सी इससे पूछे मेरे बेटे की तालीम कितनी है, पूछे की बात पूछे इसकी तालीम पे डाका किसने डाला, एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स कैसे हुआ, हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कैसे हुआ, लॉ ऑर्डर ये 3 पिलर है किसी रियासत, गजब बेइज्जती है। छोटे चेतन भी फरमाते हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट में जा रहा था और चंगी तरह से मेला लूटने के लिए हम फिर से आ गए। और भी क्या कहते हो, दिवालिया तो पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा था, यानी पाकिस्तान डिफॉल्ट भी क्या कहते हो, दिवालिया ये इस मुल्क में ये क्या हरामीपन हो रहा है। दोस्तों पाकिस्तानी अवाम का सबसे बड़ा मसला रोटी कपड़ा और मकान है जो कि आहिस्ता आहिस्ता उनसे छीना जा रहा है, इस बारे में बिलो रानी क्या कहती हैं ये जानते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नारा रोटी कपड़ा और मकान, और रोटी कपड़ा और मकान की आज सख्त जरूरत है पाकिस्तान की अवाम। मजाक बन चुका है, आपके थोड़े मसले कम हुए होंगे। दोस्तों आप खुद कमेंट्स में बताएं कि जो बंदा निहारी लस्सी और पाए खाकर सारा दिन गैस छोड़ता रहे उसे पूरे 5 साल के लिए हुकूमत दी जाए तो क्या होगा। मुझे बताएं अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि अगर नवाज शरीफ को ये 4.5 साल जो जाया हो गए नवाज शरीफ की हुकूमत होती, PMLN की हुकूमत होती तो पाकिस्तान कहाँ चला गया होता, आप इस बात का तसव्वुर कर सकते हैं कर सकते हैं, मुझे बताएं जोर से। दोस्तों बिल्लो रानी वो खरबूजा है जो कि कई बार हबशियों के छुरे की जीनत बन चुका है और अब ये युवतियों को मम्मी डैडी कहते हैं। मसला ये है कि हमारे लोग तो काम करते हैं, मेहनत करते हैं, बिजी होते हैं, कि जो मम्मी डैडी वाले जमात है ना उनके कारकुन तो फ्री बैठे हुए होते हैं, वो तो तमाम यही करते हैं, तो आप भी थोड़ा टाइम निकाले और आप पाकिस्तान के अवाम को बताएं। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। अब एक और वीडियो में देखिए जहाँ छोटे चेतन गुस्सा ही कर जाते हैं। हमने मुझे अमित शाह से बात सुने, तालीम के वजीफे दिए गए और ये फूल न फेंके निकाल दे और भाई जरा समझो विचार करो। दोस्तों बाकी अवाम क्या कहे जब मौलाना डीजल के खुद के बशिंदे ही उनकी बिस्ती कर रहे हैं। आखिर फजलुर रहमान करप्शन करने वालों का यार है, फजलुर रहमान करप्शन करने वालों का यार है। लेकिन सुन के समझ रहे हो ना। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो को एंड करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाजमी से लाइक कर दें और साथ लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।